डियर स्टूडेंट, आज हमें पंकज कुमार मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर, आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम नर्वस सिस्टम और फिसुला झटका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम एक प्रकार से ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी को ये कंट्रोल करता है और ये जितनी भी हमारी बॉडी के भीतर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे सूचना, खाना पीना, चलना फिरना एंड इंटरनली कुछ आंतरिक ऑर्गन्स में जो फंक्शन होता है, ये सभी नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नर्वस सिस्टम ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर ये हमारी बॉडी को ये कंट्रोल करता है तथा ये कोऑर्डिनेट करता है। तो ये नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में था। तो इनवर्टिब्रेट्स फाइलमों के अंतर्गत में जितने भी ये एनिमल्स हैं आपके सिलेबस में, फिसुला पिटका, टीनिया सोलियम, नेरिच, पेलीमोन और पायला, इन सभी का जो नर्वस सिस्टम आपको पढ़ना है। और इनमें जो फर्स्ट आज हम जो पढ़ेंगे वो है फिसुला का जो नर्वस सिस्टम किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको फिसुला पिटका के जनरल फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। फिसुला पिटका को सामान्यतः सीप या लिवर ट्यूबी कहते हैं, यकृत कर्मी कहते हैं। यह एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। और ये कैसा होता है? एंडोपैरासाइट। ये कैसा होता है? एंडोपैरासाइट एंड डोर्सो वेंट्रली प्लेटेड होता है। ये पृष्ठ और अधस्थ से ये कैसा होता है? चपटा होता है। ये एक फाइलम प्लेटीएंजेंटी में इसको रखा गया है, फिसुला पिटका को। इसकी क्लास ट्रिगमेटोडा है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है, इन अपूर्ण होता है। इसमें माउथ प्रेजेंट है बट इसमें मुख पाया जाता है, लेकिन इसमें एनस नहीं, एनस का अभाव होता है, एनस एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, इसमें जो रेस्पिरेशन है, इसमें ये एंडोपैरासाइटिक होते हैं, अंत्यपरजीवी होते हैं, और अंत्यपरजीवी होने के कारण इनमें जो रेस्पिरेशन है वो कैसा होता है? एनाएरोबिक, अनाक्सीकरण होता है। और नेक्स्ट, इसमें जो एस्क्रिएशन फ्लेम सेल्स किसके द्वारा, इसमें एक्सक्रीशन वाई फ्लेम सेल्स किसके द्वारा, फ्लेम सेल्स या प्रोटो नेफ्रेडिया प्रोटोनेफ्रेडिया के द्वारा होता है। और इसमें ये कैसे होते हैं? हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, वेलिंगी होते हैं। और जैसे कि वेलिंगी का मतलब जिसमें स्पर्म और ओवम जो जितने ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही जंतु के शरीर के भीतर पाए जाते हैं, तो ये वेलिंगी है। तो ये फिसुला पिटका के जनरल फीचर्स के बारे में था। अब हम इसका फिसुला पिटका का नर्वस सिस्टम देखेंगे कि इसका जो नर्वस सिस्टम है फिसुला पिटका का कैसा होता है? बेल डेवलप। इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है? बेल डेवलप, बेल डेवलप होता है। इसमें सेंसरी ऑर्गन्स आल लिखे, इसमें संवेदी अंगों का क्या होता है? अभाव होता है। इसके नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसके नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। सबसे फर्स्ट है ब्रेन, नर्व रिंग या ब्रेन। सेकेंड पार्ट है लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स। तो इसमें जो फर्स्ट है नर्व रिंग या ब्रेन, नर्व रिंग या ब्रेन, जैसे कि ये फिसुला पिटका है, इसमें ये नर्व रिंग है, ये फेरिंग्स,
ये जो फेरेंस के चारों, ये जो नर्व रिंग है फेरेंस के चारों, ये आपका ये माउथ होता है, यहाँ पर ओरल सकस, जैसे ये माउथ है और ये ओरल सकस है, तो यहीं पर ये फेरेंस है। फेरेंस के नीचे, फेरेंस के चारों ओर एक नर्व रिंग पाई जाती है, जैसे ये नर्व रिंग है, नर्व रिंग पाई जाती है जिसको सेरिब्रल रिंग भी कहते हैं, जिसको अपन क्या क्या कहते हैं, सेरिब्रल रिंग भी कहते हैं। इसमें से नर्व रिंग ये अंदर की ओर, इसमें बन पेयर्स, इसमें से बन पेयर्स सेरिब्रल गैंग्लियन डॉर्सोलेटरल साइड की ओर स्थित होते हैं, तथा बन पेयर्स जो गैंग्लियंस हैं वो वेंट्रल साइड की ओर पाए जाते हैं। इसमें से एक जोड़ी जो सेरिब्रल गैंग्लियन है वो डॉर्सोलेटरल साइड की ओर एंड, और बन पेयर्स जो वेंट्रल गैंग्लियंस पाए जाते हैं अदर तरफ की तरफ, अदर साइड की वेंट्रल साइड की तरफ भी इसमें बन पेयर्स गैंग्लियंस पाए जाते हैं। फिर इसमें जो नर्व रिंग्स है या सेरिब्रल रिंग्स है, इसमें से कुछ छोटी छोटी महीन नर्व्स निकली रहती हैं, आगे की ओर नर्व्स निकली रहती हैं जो आगे की ओर, तो आगे की ओर ये एंटीरियर सकस हो जाती हैं, ये ओरल सकस जिसको अपन क्या कहते हैं, एंटीरियर सकस हो जाती है। और कुछ जो नर्व्स हैं वो पीछे की ओर, कुछ मेन नर्व्स हैं वो पीछे की ओर जाती हैं, तो जिसको पोस्टीरियर सकस की ओर जाती है। कुछ तो ये आगे एंटीरियर सकस और कुछ महीन तंत्रिकाएं पीछे की ओर भी जाती हैं, जैसे पोस्टीरियर सकस की ओर की तरफ जाती हैं। तो इसमें टू सकस आर प्रेजेंट इन द बॉडी, इसमें टू सकस होते हैं, एक एंटीरियर सकस की तरफ और सेकंड होता है पोस्टीरियर सकस, जिसको अपन ऐसी अवलंब भी कहते हैं या वेंट्रल सकस भी कहते हैं। अब तो ये ब्रेन नर्व रिंग या ब्रेन के बारे में होता है। सेकेंड है आपका लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स में जैसे कि आप नर्व रिंग्स हैं, ये नर्व रिंग्स से पीछे की ओर पोस्टीरियर साइड पर, इसमें से थ्री पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, तीन जोड़ी लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स पाई जाती है। तो इसमें से वन पेयर्स ऑफ डोर्सल नर्व कोर और वन पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कोर और थर्ड है आपकी लेटरल नर्व कोर। तो ये तीनों जो ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स हैं, ये ट्रांसवर्सी कमिसिओर के द्वारा ये जुड़ी होती हैं, ट्रांसवर्सी बर्सी कमिसिओर, ये ट्रांसवर्सी कमिसिओर के द्वारा ये जुड़ी रहती हैं। और इसमें से तीनों लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स में से ये लेटरल नर्व कोर ये बहुत ज्यादा डेवलप होती है। ये जो आपको देखो किधर की साइड में ये डोर्सल नर्व कोर है, मध्य में ये लेटरल नर्व कोर है और अंदर की तरफ वेंट्रल नर्व कोर है। तो इसमें से ये जो आपको मीडियल में ये लेटरल नर्व कोर दिखाई दे रही है, ये बहुत ज्यादा डेवलप होती है और ये पोस्टीरियर भाग की तरफ ये पच श्रेय तक जाती है। अब इसी नर्व कोर से इनमें से कुछ ये ब्रांचेज या नर्व्स निकली रहती हैं, जिनको पेरिफेरल ब्रांचेज या नर्व कोर भी कहते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स के बारे में था। तो इस प्रकार से जो फेसोला का जो नर्वस सिस्टम है, इस प्रकार से डेवलप होता है, जिसमें हमने पढ़ा नर्व रिंग या ब्रेन्स के बारे में। तो ये एक प्रकार से ब्रेन्स फेरेंस के चार वो एक नर्व रिंग पाई जाती है, और जिसमें से एक वन पेयर्स जो गैंग्लियंस है वो डोर्सोलेटरल साइड की ओर, और एक गैंग्लियंस है वो कहाँ पर वेंट्रल साइड की ओर स्थित
स्थित होता है, और कुछ नर्व्स हैं आगे की ओर एंटीके सकल्स को जाती है, और कुछ नर्व्स पीछे की ओर पोस्टीरियर सकल्स पार्ट की ओर तरफ जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल, ये थ्री लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स में पीछे की नर्व रिंग्स हैं, वो इसमें से पीछे की ओर पोस्टीरियर सकल्स में ये थ्री पेयर लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स में ये की ओर जाती हैं, जिसमें से वन पेयर डोर्सल नर्व कॉर्ड है, डोर्सल, इसके बाद वेंट्रल नर्व कॉर्ड है और लेटरल नर्व कॉर्ड है, और ये ट्रांसवर्सी कमिश्योर के द्वारा ये कनेक्टेड रहते हैं। इनमें से लेटरल नर्व कॉर्ड है बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, जो कि पोस्टीरियर सिरे तक जाती है। तो ये नर्व फिशुला के नर्वस सिस्टम के बारे में था। ये फिशुला पेटिका का डायग्राम है। ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर टू सकल्स वो पाए जाते हैं, एक एंटीरियर सकल्स की तरफ और दूसरा पोस्टीरियर सकल्स की तरफ। और ये किस प्रकार से ये इसकी जो प्राइमरी होस्ट है सिप है और सेकेंडरी होस्ट इसका स्नेह है। तो ये फिशुला पेटिका के नर्वस सिस्टम के बारे में था। आपको आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।